गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटे, वी वर डूइंग द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, राइट? सो आई टोल्ड यू दैट व्हेन देयर विल बी द क्वेश्चन दैट द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द क्वेश्चन विल बी व्हाट नंबर शुड बी एडेड और व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड सो एज टू मेक द नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हमें क्या करना है वानी, क्या करना है? What should be added or what should be subtracted from a number to make it a perfect square? Division method, long division. Added वाले में हाँ ठीक है ना, करना तो माइनस ही है. नहीं, एडिड वाले में बड़ा नंबर लेके प्लस करना है. एडेड वाले में लास्ट में बड़ा नंबर लेके जो रिमाइंडर आएगा उसको प्लस करना है. एडेड करना है ना, नहीं समझ आई? एडेड वाले में जो लास्ट पेयर उतारने के बाद बड़ा नंबर लोगे, फिर माइनस करके जो आएगा उसको डिविडेंड में क्या करोगे, एड. सब्ट्रैक्टेड वाले में लास्ट पेयर उतारने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसको उसमें से क्या करना है आपने, माइनस. ठीक है ना? अब there is one more type of question. If a number is not a perfect square, like you have a number 1458, this is not a perfect square, by what number it should be divided? Isko divide karna hai to kaun se method, kaise pata chalega, kya karenge? Yes, agar aa jaye what number we should divide a number so as to make it a perfect square, or by what number we should multiply a number so as to make it a perfect square, beta. So aapko kya karni hai, prime factorization. Aise means addition and subtraction likha ho to long division, multiply and divide लिखा हो तो क्या बनाने हैं, prime factors. ये याद रखना है मानी, ठीक हो? पता था, करो फिर. Right, look on the board, stop writing. So now square root hai, ye pair, ye pair, ye pair, two is single, occurring one time. If the question is by what number it should be divided by, what number it should be divided by, to isko kisse divide karoge, kisse karoge? Pani samajh nahi aa raha bete, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? आता है ना? नहीं आता तो पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ठीक है, जो नंबर सिंगल टाइम है उससे ही आप क्या करोगे, डिवाइड, और उससे ही अगर आ जाए व्हाट नंबर, बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाई, तो इट शुड बी मल्टीप्लाई विद टू ओनली. सपोज द सेम नंबर कम्स एंड द क्वेश्चन इज बाय व्हाट नंबर 1458, एक मिनट, same number, please listen to me carefully, and the question is by what number this should be divided so as to make it a perfect cube. Question aaye pehle to question dhyan se padhna hai ki cube likha hai ki square likha hai. Agar to square hai aur aapke paas ye pair, square mein aapne pairing dekhni hai, ye pair, ye pair, ye pair, two is single, to two agar divide karna hai to two se divide karna hai, अगर मल्टीप्लाई करना है तो टू से ही मल्टीप्लाई करना है. मान लो अगर स्क्वायर वाला क्वेश्चन होता, बाय व्हिच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, टू, टू से डिवाइड कर दिया आपने, खत्म हो गया. क्या आया, 7, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 729? 729 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 × 3 × 3, 27. कुछ ऐसे लग रहा है मुझे, तुझे समझ नहीं आ रहा,
अब समझ आ रहा है? मींस हम ऐसे लिखते हैं ना, ये लिख दिया, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 729, टू खत्म हो गया, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 लॉन्ग डिवीजन से किसको इसको जरूरत क्यों है करने की, जब आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए, आपने 2 से डिवाइड किया तो 729 आया, इसके ये फैक्टर्स हैं, 2 से डिवाइड किया मतलब 2 खत्म हो गया, बाकी के फैक्टर्स बच गए, क्यों करना है? अगर नहीं समझ आ रही तो 729 का रफ में लॉन्ग डिवीजन से करके आप 27 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। इसी तरह से अगर सेम क्वेश्चन आए, बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 1458 को 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, क्या है, भूल गए हो सब, ये 1458 मल्टीप्लाई किया किससे, This is in pair, 1, 2, एक 3 बाहर, एक और बाहर, एक और बाहर, 2 and 2, एक और 2 बाहर, multiply करोगे, you will get 54. So the square root of 2916 is 54. Any doubt in दो इसमें? ठीक है? Means multiply और divide वाले में आपने क्या करना है? Prime factors. अब ये तो थी बात स्क्वायर की कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए और किससे डिवाइड करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। नाउ आई वाज टेलिंग यू इफ द सेम क्वेश्चन कम्स एंड द क्वेश्चन इज बाय व्हाट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। Yes. क्या बनाना है अब, क्यूब, क्यूब बनाना है। क्यूब में हम क्या देखते हैं, ग्रुप ऑफ 3, क्यूब बनाना है हमने, क्या करना है, ग्रुप ऑफ 3, 3 3 की ग्रुपिंग कर दी, मतलब जो भी नंबर है 3 बार आ रहा है, ये भी 3 बार आ रहा है, व्हाट इज लेफ्ट, 2। क्यूब में हमें कितने नंबर चाहिए, हमारे पास कितने 2 हैं, हमें कितने और 2 चाहिए, 2 times 2, सो इट मींस 1458 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 × 2 दैट इज 4। जितने कम है हमारे पास, जितने कम है, एक बार 2 है, क्यूब के लिए हमें 3 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और अगर डिवाइड होता तो किससे डिवाइड करना पड़ता, जो एक्स्ट्रा है। मान लो ऐसे आता कोई क्वेश्चन आपके पास जिसमें आपके पास ये हो, ये आ गए फैक्टर्स, नंबर हो 2916, ये थे ना फैक्टर्स। Now 2916 is not a perfect cube. We are talking about here now cube. This is not a perfect cube. क्यों ये perfect cube क्यों नहीं है? Why it is not a perfect cube? Yes, Shriya. Because the factors of 2916 are not occurring in group of 3. That's why it is not a perfect cube. Now, in order to make it a perfect cube, Bani, by which number we should, I should multiply it with? सोच लो एक बार, कितने 2 है यहाँ पर, 2 times,
क्यूब बनाने के लिए हमें कितने टाइम्स चाहिए? 3 टाइम्स। तो कितने 2 और चाहिए? 1। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओनली 2। और इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए डिवाइड किससे करेंगे? यस बानी, डिवाइड किससे करेंगे? बाय, मैंने कर दिया डिवाइड, 1 2 खत्म कर दिया, फिर भी तो 1 2 है। बात समझो ना, मोटी मोटी बात ये है बेटा, जब हमने क्यूब की बात कर रहे हैं तो अगर कोई नंबर 3 के ग्रुप में आ जाता है, अगर तो मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 का ग्रुप बनाना है हमने, वी हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 3। ग्रुप ऑफ 3 मतलब एक बॉक्स जिसमें तीन नंबर, एक नंबर 3 बारी हो। यहाँ 2 बारी है, मल्टीप्लाई करना है तो एक और चाहिए, तभी 3 बार आएगा ना 2। डिवाइड मतलब खत्म करना, खत्म करना है तो कितने 2 को खत्म करना है हमने? 2 into 2, 4। So by what number it should be divided? By 4. And you, same question as square root or cube root में. बस ध्यान क्या रखना होता है? आपने question ध्यान से पढ़ना है. By what number this should be multiplied so as to make it a perfect cube? Or it is written perfect square. Cube लिखा होता है, बच्चे square वाला करके आते हैं and 0 number मिलता है. फिर फैक्टर्स के आधा नंबर मिल जाता है। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ओके? नाउ by what number it should be multiplied so as to make it a perfect cube? Karo. Six 75 को किससे multiply किया जाए so as to make it a perfect cube? And also find the perfect cube root of that number. By what number it should be multiplied? And also find the cube root of that number. Very easy. क्या हो गया अक्षता? हुआ नहीं, दिखाओ मुझे क्या कर रही हो? डिवीजन ही अगर सही नहीं है ना बेटे, हम कभी किसी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। 675 को 5 से डिवाइड करो जरा। 131। करना डिवाइड मेरे सामने कर जरा। ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा तुम लोगों को किसी दिन। एक मिनट रुक जा बेटा, इसको करने दे जरा, मैं देख क्या कर क्या रही है। बिना क्वेश्चन लिख, अच्छा लिखा है। क्या है? जब आप अड़ जाओ ना ऐसे, देखो बेटा, प्लीज लिसन टू मी, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। लाइक यू स्टार्टेड 675, व्हाट वन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास डिड? क्या किया है? हमने 5 से डिवाइड करना शुरू किया। सुनो मेरी बात, उसने लिखा 131। एक मिनट सुनने दो बेटा, मेरी बात सुनो।
मान लो तुम्हें फटाफट से 675 को 5 से डिवीजन तो बहुत इजी है, बट चलो गलती से मान लो ये लिख दिया 531। फिर आपको नहीं पता चल रहा कि आगे क्या करें, आप सोचने लगे। आगे सोचने से पहले पहले डिवीजन चेक करो कि क्या 131 नहीं आ रहा है। जब हम फैक्टर्स बनाते हैं कई बार हमारे पास ऐसा नंबर भी आ जाता है जो प्राइम नंबर होता है, आता है ना, या वो नंबर जो सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड है। तो लेकिन वो बात की बात है, पहले अपने डिवीजन चेक किया करो। यहां पर आएगा 135, सो द फैक्टर्स आर, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। वो तीन का पेयर है, ग्रुप है, ये दो बार है, हमें कितने फाइव और चाहिए। सो 675 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अगर सिर्फ इतना पूछा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो बस इतना ही बहुत होता है, दैट इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। बट अगर आगे पूछा है, जो मैंने अभी आपसे पूछा था, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेंड, बात समझ में आ रही है मेरी, तो 675 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई किया, 3375। एंड माय क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू टेल द क्यूब रूट ऑफ 3375। इट इज वेरी इजी। व्हाट इज 3375? 675 इंटू 5। 675 के फैक्टर्स क्या हैं? और एक 5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये है हमारा 675, ये है 5। सो अल्टीमेट, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, अल्टीमेटली एक 3 बाहर निकलेगा क्योंकि क्यूब रूट है, और एक 5, सो आंसर इज 15। ये मल्टीप्लाई करके क्या आया, 3375, उसका क्यूब रूट निकालना है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 3375 क्या है? 675 इंटू 5, 67, मतलब बार बार फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, वरना तो 3375 के फैक्टर्स निकालने की जरूरत क्या है। 3375 क्या है? 675 इंटू 5, समझो बात को, 675 के फैक्टर्स क्या है, ये मैंने लिख दिए, 3 बार 3, 2 बार 5, ये क्या हो गया 675, मल्टीप्लाई बाय क्या है 5, एक 5, ये पूरा क्या बनता है, ये पूरा क्या बनता है 3375, उसके फैक्टर्स हैं। तो उसका क्यूब रूट क्या है, एक 3 बाहर, एक 5 बाहर, क्योंकि क्यूब है, तो द क्यूब रूट ऑफ 3375 इज 15। मींस 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 गिव्स यू 3375। समझ आ गई बात? और इसी क्वेश्चन में अगर डिवाइड होता तो किससे डिवाइड करते? सहज क्लास में हो, आंसर दो, सोचो सुनो, ये नहीं है कि हमने बस बैठ गए हैं हम और हमने कसम ही खाई हुई है कि हम तो बस फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट, कोशिश भी नहीं करते हो आप, मैंने देखा। अब क्या बात है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 25, मतलब 2 एक्स्ट्रा है, 5 इंटू 5 हटा देंगे, 25। राइट ऑन द क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर फाइंड द smallest square number that is divisible by 8, 15, and 20। करो, find the smallest square number that is divisible by 8, 15, and 20। बोर्ड पे लिखे नंबर, याद है कुछ?
क्या करोगे? लो तीनों का एलसीएम लो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, टेक द एलसीएम, हरी अप टेक द एलसीएम, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, एलसीएम आराम आराम से करना है, जल्दी में जाके गलती एयरलेस मिस्टेक नहीं करनी। ये क्या कर रही है, ऐसे कैसे एलसीएम लेगी, कर कर एलसीएम, थोड़ा साफ साफ सब किया कर रहे हैं बेटा, क्या एलसीएम है? यस, लुक हियर ऑन द बोर्ड, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मतलब हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो दैट इज डिविजिबल बाय ऑल थ्री ऑफ दिस, ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जो कि क्या हो, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर का मतलब छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसको अगर हम इन तीनों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आए, जीरो। तो हमने लिया इसका एलसीएम, आपने क्या करना है, आपके पास ये आया 120, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर की बात है तो इसका मतलब पेयरिंग की बात है, यहाँ पर टू पेयर में है, जो भी आपके एलसीएम के फैक्टर्स हैं ना, फैक्टर्स ही है ना ये एलसीएम के फैक्टर्स हैं, उनको आपने क्या करना है, पेयर बनाने हैं, ये पेयर में है, ये सिंगल है, इसको पेयर बनाने के लिए मतलब आपको क्या चाहिए, एक और टू, इसको पेयर बनाने के लिए मतलब आपको क्या चाहिए, एक और थ्री, और इसका पेयर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 5। तो जो आपको एक्स्ट्रा नंबर चाहिए उसको प्रोडक्ट करना है, 5 2 10, 10 3 30, सो द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज 120 मल्टीप्लाई बाय 2 × 3 × 5, जो आपने पेयर बनाने के लिए नंबर एक्स्ट्रा लिए, ये 120 है, एक 2 एक्स्ट्रा, एक 3 एक्स्ट्रा, एक 5 एक्स्ट्रा, आंसर इज 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 and 20। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जो फैक्टर्स आ गए, जो तो पेयर में है ठीक है, जो सिंगल है, पूरे एलसीएम को जितने आपने पेयर बनाने के लिए नंबर लिए हैं उससे क्या कर देना है, मल्टी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, नंबर्स आर
फोर नाइन एंड टेन करो, फोर नाइन एंड टेन सेम क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय फोर नाइन एंड टेन. कुछ किया है ना, दिखा दिखा बेटे, शाबाश, कुछ नहीं कहते इधर. नेट आ गया, ठीक है. अब 900 कैसे आया, ये पेयर में है, इसको पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, 180 आ गया, एक और 5 और एक 9, एलसीएम कितना आ रहा है, 180. अरे ये 9 नहीं करना, ये 3 × 3 करना है बेटे, प्राइम फैक्टर्स, ये 3 × 3 आ गया, तो सिर्फ 5 सिंगल है, तो 180 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से. एक और बात इसमें जरूरी सुन लो मेरी बात, बोर्ड पे बेटा जब एलसीएम लेना है ना, एलसीएम हमेशा प्राइम नंबर्स के साथ लेना होता है, सुनो मेरी बात, 2 9 5 2 1 9 5 5 1 मिनट 1 मिनट, मैंने जो समझाना है, 9 बच गया तो 9 को 9 से नहीं कर देना. अरे क्या चला जाता होता है, इसमें कुछ नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 से कर दो 5 से कर दो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता. इसमें क्या मैं क्यों बता रही हूं, जैसे आपका एलसीएम आएगा 2 × 2 × 5, अगर आपने 9 से कर दिया सपोज, एलसीएम तो आ गया 180, बट फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि ये पेयर में है, ये सिंगल, तो आप 5 और 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एकदम से भूल जाता है कि 9 क्या है, 3 × 3, ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, सिर्फ कौन सा नंबर पेयर में नहीं है, 5. So it means 180 is the LCM. 5 is single. So the smallest square number is 180 × 5. So our answer will be 900. बात समझ में आ गई? So whenever you have to take the LCM, always take with the prime numbers. Same question है. Number है 6, 9, 15. करो. 6, 9 and 15. Same question. Find the smallest square number that is divisible by 6, 9 and 15.
अंकित मैम ने मना किया था ना साथ साथ बैठने को, फिर हाँ मुझे पता गुरकरण पीछे चला गया था पुलकित, फिर तू पीछे चला गया क्योंकि बिना हेल्प के आप सम नहीं कर पाते, इसलिए तो क्यों उस तरह चिपकता रहता है तुम। कितनी बार बोला आपको आपको वन बेंच छोड़कर बैठना है अपने साथ साथ, किसी दिन ना तो उसको भी डांट पड़वाएगा और कोई बात नहीं है। छोटे से आंसर एलसीएम कितने 90 इज दी एलसीएम, 2 और 5 के पेयर नहीं है, सो इट विल बी मल्टीप्लाई विद 2 and 5 दैट इज 10, सो द आंसर विल बी 900। ठीक है, सो डेली बेटा आपका जो भी रिवीजन टेस्ट है, बट डेली आफ्टर गिविंग योर रिवीजन टेस्ट एट 5 o'clock इन द इवनिंग जस्ट गिव हाफ एन आवर 45 मिनट्स मैक्सिमम 1 hour टू मैथ्स डेली। ठीक है, प्रैक्टिस होगी तभी अच्छे से पेपर दे पाओगे। फाइन, रिवाइज चैप्टर 6। सो ऑल राइट स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो बेटा, टेक केयर।